खबर कराहल से है, जहां आज यादव समाज द्वारा परमपिता श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन मौके पर कराहल में भव्य रथ यात्रा का संचालन किया। रैली में समाज के सभी लोग और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला शामिल था। शोभा यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां स्वागत द्वार बनाए गए थे और सभी लोगों के लिए ठंडे पानी और नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। सभी समाज के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर भगवान कृष्ण रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। भक्तजन डीजे पर नाचते हुए थिरकते हुए नजर आए। यात्रा से सहीपुरा से शुरू होकर कराहल में प्रवेश हुई, जिसमें पनवाड़ा तिराह से होते हुए मुख्य बाजार, पालीवाल चौक और करियादाह तिराहे और बालक छात्रावास से होते हुए पनवाड़ा स्थित माता के मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां सभी के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। वहीं रथ यात्रा को सर्व सफल बनाने के लिए यादव समाज ने सभी कराहल वासियों का तहदिल से धन्यवाद किया। काफी उत्साहित थे सभी लोग, समाज के सभी लोग थे और जगह जगह इनका स्वागत द्वार बनाया गया था। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश संयोजक युवराज यादव जी, ये बताएंगे सर आज जो आपकी रथ यात्रा निकाली गई है भगवान कृष्ण की कराहल में बुलाया गई, हर जगह आपके स्वागत द्वार बनाए गए थे, क्या कहना चाहते हैं सर इस आयोजन पर? देखो वैसे भगवान कृष्ण परमपिता परमात्मा है, सभी के आराध्य हैं और द्वारा ये निकाली गई, सभी समाजों ने स्वागत किया। हम उनके लिए हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस शोभा यात्रा का स्वागत किया और पूरे कराहल में जैसेपुरा से लेकर कराहल तक बहुत भव्य स्वागत किया लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने। पहली बार देखने को मिला सर इतनी अच्छी यहाँ रथ यात्रा निकाली गई है, ये पहली बार यहाँ देखने को मिला है, कब से तैयारियाँ चल रही थी इसकी? देखो शोभा यात्रा तो पिछली बार भी निकाली गई थी, लेकिन पिछली बार कुछ कमियां रहीं, उनको इस बार सुधारा गया है और इनकी तैयारी हम करीब 2 महीने से हमारे समाज के जो युवा हैं और वो लगे हुए हैं उसके लिए और उन्होंने तैयारी की है और निकाली है, और इस बार भी कोई अगर ऐसी त्रुटियां होंगी तो अगली बार फिर उसका सुधार करेंगे और भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। कृष्ण जी का रथ यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। हमारे साथ जुड़े हैं यादव समाज से ब्लॉक अध्यक्ष धर्म सिंह यादव जी और भाजपा मंडल अध्यक्ष मेहरवान जी, इनसे मिलकर जानेंगे क्या क्या इनकी तैयारियां रही हैं, क्या इनने इस आयोजन को लेके बैठकें की हैं। जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विक्की भैया मैं मेरी ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, दूसरा मेरी समाज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि आपने हमारे समाज को जो आज जो कार्यक्रम है उसको आपने मीडिया पर एवं मतलब आपने दिखाने का जो प्रयास किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कार्यक्रम आज बड़ा ही सौंदर्यपूर्ण था, काफ़ी उत्साह था लोगों में, जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं, भव्य रैली है, अभी तक ऐसी रैली नहीं निकाली गई है। आयोजनों को लेकर सर कब से तैयारियां चल रही थी इसकी? भाई साहब करीब 1 माह पहले से हमारे समाज के युवा और सब लोगों ने पूरे समाज इसकी तैयारी की और कल और आज 2 दिन हमारे समाज के लिए इतना कृष्णमय हो जाता है हमारा पूरा समाज। और मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा इस पर आप भाई साहब बताएंगे जो भी विस्तार से। सर आप और क्या सर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम सबको संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जो मीडिया के हमारे भाई हैं उनको मैं यादव समाज की ओर से इस कृष्ण जन्म उत्सव के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये आयोजन लगभग 1 माह पहले से हमारी जो सामाजिक बैठक चल रही थी कि अपन को किस तरह से आयोजन करना है सिस्टम से, तो लगभग 4-5 हमारी बैठकें हो चुकी थी, उसमें हमने कलेक्शन का भी जो बात आई वो कलेक्शन भी किया है समाज से और समाज को बताया भी है कि फलाने तारीख से अपन जन्माष्टमी मनेगी और फला तारीख को अपन इसकी शोभा यात्रा निकालेंगे। तो 7 तारीख में जन्माष्टमी का आयोजन किया गया जिसमें सभी जगह पूरे क्षेत्र में अपने अपने गाँवों में मंदिरों पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया गया। इसी तरह शेषईपुरा चक्रसनपुर मध्य जो बीच में राधा कृष्ण का यादव समाज का मंदिर है उस पर भी जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम किया उसमें लगभग 3-4 हज़ार लोगों का भंडारे प्रसाद का भी रखा गया। इसके बाद में आज सुबह वहां से 10 बजे ये शोभा यात्रा शेषीपुरा राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ हुई जो शेषीपुरा नगर में होते हुए और कराहल में प्रवेश किया। कराहल में प्रवेश होते ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कराहल के सभी ग्रामवासियों को जिन्होंने शोभा यात्रा का बहुत बढ़ चढ़ करके स्वागत किया है। मैं यादव परिवार की ओर से, यादव समाज की ओर से मैं सभी कराहल क्षेत्रवासियों को, सभी समाज के बंधुओं को मैं हाथ जोड़ के उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं।
सर, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सर ऐसा क्या संदेश आप पूरी समाज को देना चाहते हैं? कृष्ण भगवान की ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो आप हमारे माध्यम से बताना चाहते हैं? देखो, कृष्ण भगवान तो जगत गुरु थे, वो तो सभी के गुरु हैं, सभी के भगवान हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये कार्यक्रम यादव समाज की ओर से हो रहा था, यादवों का ये कार्यक्रम हो, यादवों के ही भगवान हुए, भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने माता पिता की सेवा की, अपने गोकुलवासियों की जो सेवा की, अत्याचारियों से उन्होंने मुक्ति दिलाई सभी को, और अपने माता पिता की सेवा की, इसी तरह सभी लोग अपने अपने माता पिताओं की सेवा करें, जो गलत है उसका विरोध करें, सही है उसका साथ दें, सत्य का साथ दें। और सबसे बड़ी खुशी हमें एक है कि हमारे समाज में भगवान ने जन्म लिया, तो हमारे समाज का मान बढ़ाया भगवान ने, तो हम दो भगवान के कृष्ण जन्माष्टमी पे पूरा समाज कृष्णमय हो जाता है दो दिन के लिए। भाई साहब से मिलकर बड़ी अच्छी बातें जानने को मिली। कृष्ण भगवान ने जिस तरह माता पिताओं को बंधन से मुक्त कराया, अत्याचारियों का उन्होंने अंत भी किया था, समाज में भी लोगों को इसी राह पर चलना चाहिए, गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए। भगवान कृष्ण की रथ यात्रा निकली थी, काफ़ी उत्साहित थे सभी लोग, समाज के सभी लोग थे, और जगह जगह इनका स्वागत द्वार बनाया गया था। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश संयोजक युवराज यादव जी, ये बताएंगे सर, आज जो आपकी रथ यात्रा निकाली गई है भगवान कृष्ण की, कराल में बुलाया गया, हर जगह आपके स्वागत द्वार बनाए गए थे, क्या कहना चाहते हैं सर इस आयोजन पर? देखो, वैसे भगवान कृष्ण परमपिता परमात्मा हैं, सभी के आराध्य हैं, और द्वारा ये निकाली गई, सभी समाजों ने स्वागत किया, हम उनके लिए हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। और पूरे कराल में जैसे पूरा से लेकर कराल तक बहुत भव्य स्वागत किया लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने। पहली बार देखने को मिला सर इतनी अच्छी यहाँ रथ यात्रा निकाली गई है, ये पहली बार यहाँ देखने को मिला है, कब से तैयारियाँ चल रही थी इसकी? देखो, शोभा यात्रा तो पिछली बार भी निकाली गई थी, लेकिन पिछली बार कुछ कमियाँ रहीं, उनको इस बार सुधारा गया है, और इनकी तैयारी हम करीब दो महीने से हमारे समाज के जो युवा हैं और वो लगे हुए हैं उसके लिए, और उन्होंने तैयारी की है और निकाली है, और इस बार भी कोई अगर ऐसी त्रुटियाँ होंगी तो अगली बार फिर उसका सुधार करेंगे। और भगवान कृष्ण की जो शोभा यात्रा निकाली गई, यादव समाज द्वारा बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, सभी समाज के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, इनसे मिलकर जानेंगे क्या प्रोग्राम की झलकी आज की रही हैं। जी, मदन मोहन कांसल जी मौजूद हैं, वैश्य समाज से अध्यक्ष हैं। जी सर, बताइए क्या प्रोग्राम की भूमिका रही आज? आज का जो जन्माष्टमी का यादव समाज का जो प्रोग्राम रहा है, इतनी सराहनीय प्रोग्राम रहा है कि मैं अपने शब्दों में कुछ कह नहीं सकता। इतना अच्छा सराहनीय प्रोग्राम और समाज को एकत्रित करना, संगठन होना बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण की इतनी ज़ोरदार शोभा यात्रा निकाली गई, जगह जगह स्वागत हुआ, सब समाज ने सम्मान किया। मैं भी अग्रवाल समाज का अध्यक्ष हूँ, मदन मोहन अग्रवाल, और मैं आभारी हूँ इनका एक तरह से कि ऐसी शोभा यात्रा उन्होंने निकाली, और आगे सब लोग अपना संगठन और ऐसी शोभा यात्रा भगवान कृष्ण की अभी तक निकली नहीं है कराल में, और निकलना चाहिए और निकलती रहना चाहिए। क्षत्रिय समाज से अध्यक्ष हैं बंडी चौहान जी, सर बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इस मौके पर? आज बहुत खुशी का दिन है कि यादव समाज ने जो शोभा यात्रा निकाली, उससे हमारे देश की परंपरा का एक अच्छा संदेश जाता है। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय ऐसी शोभा यात्रा प्रत्येक समाज को, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, चाहे वो राठौर समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, और चाहे वो ठाकुर समाज हो, प्रत्येक समाज से मैं आज इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि ऐसी शोभा यात्राएं प्रत्येक समाज को निकालना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य कार्यक्रम रहा, इसके लिए मैं यादव समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ब्राह्मण समाज से हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र पाठक जी, बताइए सर क्या प्रोग्राम था, क्या कहना चाहते हैं आप? कार्यक्रम हमारे क्षेत्र का जो यादव समाज है, इनने एक बहुत अच्छी शुरुआत की अगले वर्ष से, इनने मतलब पिछले वर्ष भी पिछले वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इनने एक शोभा यात्रा मतलब निकाली थी। मैं इनका हृदय से सम्मान करता हूँ, बहुत सुंदर, अति सुंदर कार्यक्रम रहा आज का भी, गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी और अच्छी तैयारियों से निबंधन निकाला, हर समाज ने स्वागत किया, और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए।
जिस इससे क्या कि सब एकता और एक धर्म के प्रति एक जागरण और सभी समाजों में आज जिसकी ज़रूरत है एकता की, अखंडता की, उस भावना को ताकत मिलती है। मैं इन सब का फिर से आभारी और इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी दीपक त्रिपाठी जी, आप क्या कहना चाहते हैं आज? आज यादव समाज द्वारा हमारे कराल नगर में जो भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो आयोजन किया गया है बहुत सराहनीय है, और आज उन्होंने कराल को वृंदावन धाम बना दिया। जगह जगह ऐसा लग रहा था जैसे आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर आकर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह जी यहाँ पर हैं। सर बताइए, आज आप क्या कहना चाहते हैं इस अच्छे प्रोग्राम के लिए? इससे ये लगता है कि हर समाज को अपना संगठन तैयार करके और ऐसी शोभा यात्रा, हर ईश्वर की शोभा यात्रा निकलवाना चाहिए छे, और इससे आगे चल के एकता का बोर रखता है, संस्कृति जो हिंदुओं की जो संस्कृति है उससे जागृत होती है। और मैं आगे ये आशा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम बराबर हर समाज को करते रहना चाहिए जिससे कि संस्कृति हिंदुओं की बरकरार बनी रहे। जी मनोज मुदगल जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज जो यहाँ कार्यक्रम रखा गया, भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा निकाली गई, क्या कहना चाहते हैं आप आपके माध्यम से? करहाल नगर में जो आज शोभा यात्रा निकाली गई है उससे सनातन धर्म में एक प्रचार गया है, और इस तरह के कार्यक्रम सभी समाजों को करना चाहिए समय समय पे, जब जब उनका कोई महीना है, बार है उस समय, और देश की अखंडता और उसके लिए ये सब संगठन बहुत ज़रूरी है, और समय समय पे ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और कराल क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये कार्यक्रम गए साल से शुरू हुआ है और इस साल इसने भव्य रूप लिया है और आगे भी और भव्य रूप लेगा। जी राम प्रताप चौहान जी मौजूद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं श्योपुर से। क्या सर आपको आज लगा प्रोग्राम में, क्या आप कहना चाहती हैं इस महाआयोजन के बारे में? पहले तो यादव समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो ऐसा प्रोग्राम उन्होंने अच्छा किया, और इस प्रोग्राम को भव्य बहुत पहले से भी पारसार से भी बहुत अच्छा बनाया, पारसार भी उनका अच्छा रहा, और दो साल से इनका प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, और ऐसा ही प्रोग्राम आगे समाज के एकता को जोड़ते हुए और उनको जागरूक करने के लिए बना होते रहे ऐसे।